नमस्कार, मैं हूं आपके साथ वरीषा सिद्दीकी और आप देख रहे हैं जेजेएन न्यूज़। देश में लगातार ब्रेस्ट कैंसर के मामले महिलाओं में तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। एक रिसर्च के मुताबिक देश में लगभग 28 महिलाओं में से एक महिला आज ब्रेस्ट कैंसर से जूझ रही है। इसे देखते हुए ब्रेस्ट कैंसर के प्रति नैनीताल में आशा फाउंडेशन महिलाओं को जागरूक करने का कार्य करती आ रही है। वहीं इस बार आशा फाउंडेशन के द्वारा नैनीताल हल्द्वानी के कॉलेजों में छात्रों और ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं को जागरूक करने का कार्य करेंगे। आशा फाउंडेशन की अध्यक्ष आशा शर्मा ने कहा कि कई सारी महिलाओं को ब्रेस्ट कैंसर के बारे में मालूम नहीं है, जिसको लेकर संस्था की ओर से एक जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। ये कार्यक्रम 29 नवंबर को हल्द्वानी आम्रपाली, 30 नवंबर को नैनीताल डीएसबी परिसर शैले हॉल, 1 दिसंबर को भीमताल के जलाल गांव में और 2 दिसंबर को एरीज में कैंप लगाकर जागरूकता अभियान चलाया जाए। देखिए, जो ब्रेस्ट कैंसर एक जो भयंकर महामारी, कोरोना से भी भयंकर, जिसको मैं मानती हूँ, जो चलते हुए आ रही है, और अभी हाल फिलहाल में अगर मैं बताऊं आपको, जब से मैं इस मुहिम में जुड़ी हूं, तब से कितने ही लोग नैनीताल में, भले ही शर्म के मारे लोग बाहर नहीं आ रहे, लेकिन फिर भी कम से कम 8-10 कैंसर पेशेंट तो मेरे ही टच में हैं, जिनको मैं देखने लग रही हूं, जिनका करने लग रही हूं। उसी को मुहिम को आगे रखते हुए, जो मेरी पिंक मुहिम है उसको जारी रखते हुए, ये अगला उसका उसी का ही एक कदम है। डॉक्टर हैं अमेरिका से, डॉक्टर लोपामुद्रा दास रॉय, वो स्पेशली इंडिया भी आई हुई हैं, असम बेस्ड हैं वो। वो इंडिया जैसे ही आई तो उन्होंने हमसे कांटेक्ट किया कि आपका जो मुहिम है वो बहुत अच्छी चल रही है, उसमें मैं उसका हिस्सा बनना चाहती हूँ। तो उन्होंने, उनकी अपनी एक संस्था है ब्रेस्ट कैंसर हब करके, उन्होंने भी काफ़ी विलेजेस नॉर्थ ईस्ट में अडॉप्ट किए हुए हैं, उनमें काम कर रही हैं, उसी से कॉन्टैक्ट में आके वो उनको यहाँ बुलाया गया है, उसी आशा फाउंडेशन ने उनको बुलाया, और उसको आगे करते हुए कि लोग अवेयर हों, इस कैंसर से बचें। एक और चीज मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगी कि ब्रेस्ट तो है ही है, लेकिन अदर कैंसर के बारे में भी, जो भी आज के टाइम में जो कैंसर जो कॉमन है, उनके बारे में भी सब डिस्कशन होगा। ये थी हमारे संवाददाता सचिन जोशी की रिपोर्ट। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहें जेजेएन न्यूज के साथ। धन्यवाद।